Okay, class 7th. In the last video, we have discussed up to the multiplication. Multiplication हमने सीखा था कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये देखा था. अब हम देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं, हाउ टू डिवाइड टू रेशनल नंबर्स. ओके, लेट्स सी. सो व्हाट इज द डिवीजन? डिवीजन है क्या एक्चुअल में, आपको पता है ना? अगर मान लो इस तरह से लिखा हो तो इसका मीन क्या है कि ये जो 3 है वो डिवाइड है किससे? 2 से. मीन्स ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? 3 मल्टीप्लाई विद 1/2. इसका मीन क्या है? जो ये डिवाइड है वो क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मल्टीप्लाई में. ये डिवाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? मल्टीप्लाई में. और इस 2 का क्या हो गया? रेसिप्रोकल. यहां पर क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ 2. तो हमने एक्चुअल में क्या समझा कि ये 3 डिवाइड बाय 2, इसका मीन्स क्या है? 3/2. इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं तो यहां पर इसका मीन क्या है? 3 मल्टीप्लाई विद हाफ. क्या है? 3 मल्टीप्लाई विद हाफ. यही तो है कि इस 3 का मल्टीप्लाई है 2 से, 1/2 से. इस 1/2 को मैं क्या कह सकता हूँ? रेसिप्रोकल ऑफ 2 कह सकता हूँ. और ये मल्टीप्लाई और ये 3, तो 3 तो एज इट इज है, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और ये 2 जो है वो रेसिप्रोकल हो गया. मीन्स जब मैं किन्हीं भी नंबर्स का डिवाइड करता हूं तो एक्चुअल में क्या प्रोसेस यूज लेता हूं कि वहां पर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं और जो नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है उसका हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं. तो यही प्रोसेस हम किसमें यूज लेंगे? रेशनल नंबर्स में. देखो इस तरह से जिससे आपको दे दिया जाए 1/8/3 इज डिवाइडेड बाय 2/3. ये दे दिया जाए तो मैंने कहा क्या कि ये जो डिवाइड है वो साइन किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. आगे वाला नंबर एज इट इज रहेगा, पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? यहां से रेसिप्रोकल. तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 3/2. क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा. ओके, तो यहां से ये रेसिप्रोकल हो गया. अब सॉल्व करना हमें आता है. या तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, या तो मैं इन्हें कट कर लूं जिससे क्या हो जाएगा? इजी. तो 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 1 टाइम, इस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, मतलब 3 से 3 कट गया. और इस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, इस 8 को 2 से डिवाइड किया 4 टाइम. न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 4 × 1 = 4. और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 1. तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/1. तो ये क्या है? डिवीजन. मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं. देखो ये दे दिए, तो क्या कहते हैं हम? पहले क्या करेंगे? इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज. आगे वाला नंबर एज इट इज, पीछे वाले नंबर के लिए क्या करते हैं? रेसिप्रोकल. अब कट करें, 9 से ये 4 टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है. 4 से ये कट हो जाएगा 21 टाइम. 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 21 टाइम. 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम. तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3, और नीचे 1 × 1 करोगे तो 1. देखो नीचे कुछ रहा नहीं इसलिए यहां पर 1 बन रहा है. ओके, ये समझ में आया आपको? यहां पर हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया
इस नंबर का रेसिप्रोकल किया और इन्हें सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको एक मिक्स क्वेश्चन देता हूं, रेशनल नंबर का मिक्स क्वेश्चन देता हूं। देखो आपने डिवाइड भी सीखा, आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, एडिशन सीख लिया और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चन देता हूं इनका, मतलब बर्ड मास वाला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। देख एग्जाम्पल दे, ये दे दे। तो बॉड मास क्या कहता है? बॉड मास कहता है कि पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड। लेकिन ये तो फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर ले, क्योंकि हमें तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है। तो हम यहां पर इसे सॉल्व कर ले, ये क्या हो जाएगा? टू वन जै टू प्लस वन, थ्री अपॉन टू, टू थ्री जै सिक्स प्लस फाइव, इलेवन अपॉन थ्री, 22 अपॉन 6, 8 अपॉन 7 और ये हो गया 11 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या था, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड। फर्स्ट सॉल्व क्या किया जाता है? डिवाइड। तो यहां से डिवाइड सॉल्व करो, 3 अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाई। डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज। फिर यहां से इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई में क्या है? 8 अपॉन 7 और माइनस का 11 अपॉन 2, ठीक है। करें सॉल्व इसे, देखो 3 से इसे डिवाइड किया 2 टाइम आया, 2 से इसे डिवाइड किया 11 आया, ठीक है। इस 11 से इसे डिवाइड किया तो यहां पर आया 1, कोई प्रॉब्लम किसी को? और यहां पर आई है 1, तो यहां से बना क्या? 3 अपॉन 2 प्लस 1 1 जब 1 इंटू में 8, सभी मल्टीप्लाई में है, जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में उन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। यहां से कितना आया? 7 माइनस 11 अपॉन 4, ये बना। अब एलसीएम लो 2, 7, 4 का, तो एलसीएम क्या आएगा यहां से? 28। तो एलसीएम ऑफ 2, 7 एंड 4, 2, 7, 4 का एलसीएम क्या होगा? 28, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 28। अब 28 आ गया तो यहां से कितना बना? 42। यहां से ये कितना बना? 48 माइनस, और ये कितना बना? 42 प्लस 48 90, माइनस 77 अपॉन 28, रिमेनिंग कितना रहा यहां से? 13, 13 अपॉन 28, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो ये क्या था? रेशनल नंबर का सॉल्यूशन था विद द हेल्प ऑफ बॉड मास। तो हमने यहां पर क्या यूज किया? बॉड मास यूज किया, ठीक है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, ये समझ में आना चाहिए आपको, अंडरस्टैंड होना चाहिए कि प्रोसेस किस तरह से करना है। ओके लेट्स सी, देखो
अब मैं ब्रैकेट्स का यूज करके बताता हूं आपको। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है। अब इसमें बोर्डमास यूज करना है, तो बोर्डमास क्या कहता है, सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे? राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट की तरफ देखो, राउंड ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है यहां पर है होल नंबर। तो मैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को होल नंबर को किसमें कन्वर्ट कर लू, फ्रैक्शन में। तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 15 + 2 17। तो यहाँ 17/3 आएगा, डिवाइड ये हो जाएगा 9/2 माइनस ये हो जाएगा 6 3 18 18 + 2 20 अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा 10/3 डिवाइड ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 3/2। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास हम पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में टू साइन दिए हुए हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो पहले सॉल्व क्या किया जाता है, डिवाइड सॉल्व किया जाता है। तो इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 17/3 डिवाइड 9/2 माइनस 20/3 प्लस 10/3। डिवाइड में रूल क्या कहता है कि पहले जो डिवाइड के साइन के पहले जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है इधर वाला वो एज इट इज रहेगा और बाद वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहां आ जाएगा 2/5। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 3/2। आप कहेंगे सर इसको चेंज कर दें तो ये चेंज नहीं होगा बिकॉज यहां पर साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। ओके ये ध्यान रखना। फिर यहां से 17/3 दैट इज डिवाइड 9/2 माइनस 20/3 प्लस। अब देखो सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में क्या था देखो, ये 5 2 से तो 2 कट गया, 5 से ये 2 टाइम, 3 से ये 3 टाइम, तो बना क्या यहां पे 2। 5 से 2 टाइम, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या सिर्फ 2। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आएगा, तो यहां पर क्या है 2। 17/3 डिवाइड 9/2 माइनस 20/3 प्लस 2। अब अपॉन में कुछ नहीं है तो यहां 1 लिख सकते हैं। देखो मैं ऊपर से रेज कर रहा हूं। ओके अब देख, अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में क्या दिया हुआ है, 3 और 1, तो एलसीएम क्या आएगा, 3। यहां से 17/3 डिवाइड बाय 9/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट में एलसीएम हो गया 3, तो ये बना 20 प्लस और ये 6। 17/3 डिवाइड बाय 9/2 और ये हो गया 26/3। यहां से एलसीएम हो गया 6,
9 थ्री जा 27, देखो 2 से डिवाइड करोगे 6 को 3 टाइम, 3 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 27। इसी तरह 3 से इसे डिवाइड करोगे 2 टाइम और 2 का मल्टीप्लाई 26 से करोगे 52, ये आएगा 52 और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। 17/3 डिवाइड का साइन, ब्रैकेट में क्या बचा, 27 में से 52 सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलर वाली वैल्यू में से ग्रेटर देन वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ऑलवेज ध्यान रखो, होगा तो सब्ट्रैक्शन, होगा तो सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर में से स्मॉल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 52 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 25/6। लेकिन साइन क्या आना है, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ में साइन होता है वो आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 52/25 आएगा। ओके, अब आगे सॉल्व करें इसे। यहाँ पर ये डिवाइड किया हुआ है ना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो गया और ये रेसिप्रोकल हो जाता है और माइनस है नीचे, ये हो गया 2 टाइम, तो आ गया 34/25, वो भी माइनस है। डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल नंबर में हम क्या नहीं रखते, नेगेटिव नहीं रखते, तो उसे अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 34/25 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर -1 और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आएगा 25 और ऊपर क्या आएगा 34 माइनस का, तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस। समझ में आया बॉड मास कैसे यूज लेना है आपको, ठीक है। देखो ये बेसिक है, लेकिन ये बेसिक आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं छोटा सा आपको, विनिकुलम वाला, ठीक है। ये दे दिया मान लो आप, ठीक है, और यहां पर दे दिया आपको क्या, तो पहले क्या करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसे आ गया 26/3 प्लस यहां पर क्या आएगा 30/4, यहां से क्या बना 10/3, यहां से क्या बनेगा 21/4, यहां से क्या बनेगा 7/3 और यहां से क्या बनेगा
सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, विनकुलम। पहले क्या सॉल्व किया जाता है, विनकुलम। ये ध्यान रखना, विनकुलम कहीं भी हो, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले हम विनकुलम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 26/3 प्लस 30/4 डिवाइड 10/3 मल्टीप्लाई 21/4 डिवाइड। अब इसको पहले सॉल्व करना है, तो 3 आएगा 7+14, यहाँ से ये कितना हो गया 26/3 प्लस 30/4 डिवाइड 10/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या बन रहा है, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 21/4 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/21। 21 से 21 कट गया, यहाँ 26/3 प्लस 30/4 डिवाइड 10/3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ये क्या बना, 3/4। अब हमें सॉल्व करना आता है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखिए 26/3 प्लस ये 30/4 एज इट इज, जहां भी डिवाइड का साइन है उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और नेक्स्ट वाले नंबर को रेसिप्रोकल फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, सॉल्व करो 26/3 प्लस यहां पर क्या बना, 10 से ये कट गया 3 टाइम, आगे कुछ बना नहीं बना, तो 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 4 × 4 = 16, सॉल्व कर दो, 16 और 3 का एलसीएम क्या होगा 48 होगा, क्या होगा 48, 3 से डिवाइड करोगे इसे 16 टाइम, और 16 से इसे करोगे 3 टाइम तो 81, देखो 16 × 26 करोगे तो ये आएगा और 16 से इसे डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 × 27 करोगे ये आएगा, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया यहां से 480 हो गया ना, 17/14, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। एक्चुअल में इस पूरे प्रोसेस से हमने क्या सीखा, सबसे पहले विनकुलम सॉल्व किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट डिवी